नमस्कार एवरीवन। तो अपने चैनल बजट होम डेकोर में मैं आज एक और टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, प्लांट पे। बहुत ही जाना माना प्लांट होगा, आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो उसमें मैंने इस प्लांट के बारे में काफ़ी बात करी है। आज मैं डिटेल में बात कर रही हूँ। सेंसिवीरिया ये प्लांट है जिसका साइंटिफिक नेम है, और इसको मदर इन लॉ टंग भी कुछ लोग बोलते हैं और स्नेक प्लांट भी बोलते हैं। बहुत ही अच्छा एयर प्योरीफायर है, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। एक बार अगर आप नर्सरी से ले आएँ तो काफ़ी टाइम तक चल सकता है, मल्टीपल आप इसको कर सकते हैं कटिंग के थ्रू। तो आज इसी प्लांट के बारे में बात हो रही है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कटिंग के थ्रू उसको प्रोपोगेट कैसे किया जा सकता है, और बाकी इन्फॉर्मेशन भी मैं इस प्लांट के बारे में आपको दूंगी। बहुत इजीली एक पत्ते से आप इसके मल्टीपल प्लांट बना सकते हैं। मैंने भी एक ही बार ख़रीदा था ये नर्सरी से। अगर आप लेके आ रहे हैं तो स्मॉल साइज़ लेके आइएगा, 50 से 80 रुपीज़ में मिल जाएगा, और उसके बाद घर में ही इसको ग्रो करके मल्टीपल आप कर सकते हैं। तो जब आप सेंसिवीरिया की कटिंग लगाते हैं तो आपको उस डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ता है जिस डायरेक्शन से ये उग रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में आपको उगाना है। तो इस तरह से मैंने इसको यहाँ से कट कर लिया है, और अब आपको इस चीज़ का मेन ध्यान रखना है कि ये ग्रो किस साइड किस डायरेक्शन में हो रहा था। ये इस डायरेक्शन में ग्रो हो रहा था तो इस डायरेक्शन का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप कट करते हैं तो अपर और लोअर डायरेक्शन एक ही लगती है, तो आपको पता नहीं चलता कि किस डायरेक्शन में इसको नीचे मिट्टी में लगाना है। तो ये सबसे ऊपर वाला पहला पार्ट मैं काट रही हूँ, ये तो आपको ईजिली पता चल जाएगा जहाँ से कट किया है। उसके बाद का जो पार्ट है उसका ध्यान रखना है कि इसका लोअर पार्ट कौन सा है। लोअर पार्ट को आपको ध्यान से रखना है नीचे, एक ही डायरेक्शन में उनको नीचे रखते जाइए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और एक पत्ते से मैंने ये 4 से 5 कट कर लिया है। इसको कट करने के बाद इसको आप नीचे रख दीजिए। देखिए 4 कटिंग मैंने इसकी लगाई है, 4 मैंने इसको कट कर लिए हैं। कट करने के बाद अगर आप प्लांटिंग के शौक रखते हैं, अगर आपके घर में प्लांट अगर अवेलेबल है जो कि एलोवेरा होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो आप इसको डायरेक्टली सॉइल में लगा सकते हैं, पानी में लगा सकते हैं। पर अगर आपके घर में एलोवेरा है तो उसे ज़रूर थोड़ा सा कट कर लीजिए, छोटा सा पीस कट कर लीजिए जितना कि मैंने किया है, और इसको उस डायरेक्शन में लगा दीजिए जिसका जो जूस होता है उसको उस डायरेक्शन में लगाइए जिस डायरेक्शन में आपको मिट्टी में से लगाना है। इससे होता यह है कि बहुत ही अच्छे एंटीबायोटिक का काम करता है, इससे जो है प्लांट का जो पार्ट है जिसको मिट्टी में लगाने वाले हैं उसमें फंगस नहीं लगता है और प्लांट ख़राब नहीं होता और इजीली ग्रो होता है, पक्का ग्रो होता है 100%। तो ये मैंने थोड़ा थोड़ा लगा दिया है जिस साइड से मुझे इसको मिट्टी में दबाना है। अगर आपके पास नहीं भी है तो भी कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्टली भी सॉइल में लगा सकते हैं, लेकिन इसको लगाने के बाद श्योर है कि आपका प्लांट जो है मरेगा नहीं, वो पक्का ग्रो होगा। तो जो सेंसिवीरिया है थोड़ा सा ग्रो करने में टाइम लगता है, आम प्लांट हफ्ते भर में उग जाते हैं लेकिन सेंसिवीरिया को 20 से 25 दिन लगते हैं बेबी प्लांट उगने में, रूट्स आने में, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। जैसे कि मैंने अभी दिखाया था आपको जिस एरिया से आपको लगाना है उस एरिया में आप थोड़ी सी मिट्टी लगा दीजिए ताकि आपको डायरेक्शन का ध्यान रहे, और फिर आप इसको ग्रो कर दीजिए इस तरह से एक मिट्टी में दबा दीजिए। मैं इसके बाद पानी डाल दीजिए। इसके बाद मैंने आप एक 25 डेज बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये प्लांट कैसा है। देखिए 25 डेज में इसमें 3 बेबी प्लांट्स आ चुके हैं और आई एम श्योर कि बाकियों में भी रूटिंग हो गई होगी। तो अब चाहे तो इनको आप सेपरेट कर सकते हैं, चाहे तो इसमें ही लगे रहने दे सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा को खोल के देख लेती हूँ कि बाकियों में रूटिंग हुई या नहीं है। आपके लिए मैं इसे खोल रही हूँ ताकि आप इसे देख पाएँ, अदरवाइज़ मुझे पता है इसमें रूटिंग थोड़ा सा लेट होता है। ये देखिए इसमें कितनी अच्छी रूटिंग हो गई है, मतलब ये जो प्रोपोगेशन हमने किया था बिल्कुल सक्सेसफुल है, थोड़े ही दिनों में इसमें बेबी प्लांट भी आ जाएगा। तो अब मैं चाहे तो इसको सेपरेट करके दूसरे प्लांट में लगा सकती हूँ, पॉट में लगा सकती हूँ, या तो फिर इसी में इसको ग्रो होने दीजिए। देखिए कैसे हॉरिजॉन्टली ये जो है सेंसिवीरिया उगता है, उसी में नहीं आएगा, थोड़ा सा आगे आके बेबी प्लांट इसमें आएगा। तो इस तरह देखिए 4 से 5 सेंसिवीरिया तैयार हो गए हैं, आपको नर्सरी से लाके ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, इधर से ही आप कटिंग के थ्रू उसको मल्टीपल कर सकते हैं। बहुत ही इजी मेथड है, ज़्यादा इसमें मनी भी स्पेंड नहीं होता, टाइम स्पेंड नहीं होता, एनर्जी स्पेंड नहीं होती, और बहुत ही अच्छा प्लांट है, एयर प्योरीफायर भी है बेस्ट, और इजी ग्रो भी है, सस्ता भी है। तो ये था आज का पूरा वीडियो सेंसिवीरिया के प्रोपोगेशन और मेंटेनेंस के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आप और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस प्लांटिंग और डेकोरेशन के ऊपर देख। होप मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन इस प्लांट के बारे में दी होगी। अगर कोई कमेंट है आपका तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।